नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शारदा नहर में फोगी फोल्ड कार गिरी, गाड़ी में 7 लोग सवार थे। गाड़ी की डिग्गी खुलने से 2 लोग बचकर बाहर आए, 5 गाड़ी में ही अभी फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर पहुंची शारदा नगर फोर्स। तिलक समारोह से वापस जा रहे थे, रात करीब 1:30 पर यह हादसा हुआ। 4 लोग निकाले गए हैं, 1 पानी में लापता है। निकाले गए 3 की मौके पर ही मौत हो गई, 1 की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मौके पर 4:25 पर SP लखीमपुर पहुंचे। बीती रात थाना फूल बेहड़ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कार शारदा नहर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए पानी में गिर के डूब गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कार सवार 7 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति सुरक्षित हैं। कार को पानी में लोकेट करके पानी से बाहर निकाला जा चुका है। 4 व्यक्तियों के शव पानी से पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। शेष 1 व्यक्ति को ढूंढने हेतु समुचित प्रयास करते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है। सभी शवों को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा जा चुका है। मृतकों के परिवारजन द्वारा बताया गया कि कार सवार सभी व्यक्ति रंबापुर सिकटिया गांव के रहने वाले थे और एक तिलक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद वापस अपने गाँव को लौट रहे थे कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई।